अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत ही रहीम व करीम है। आप सब भाइयों बहनों और दोस्तों को आपका भाई हिफ्स वेलकम करता है। दोस्तों, आज हम इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के अक़वाल जानेंगे। नंबर एक, इंसान को अपने हाल और मुस्तकबिल का ख़ुद सोच कर प्रोग्राम बनाना चाहिए। माजी पर फ़ख्र करते रहना अहमकों का काम है। नंबर दो, ग़ुलाम कौम के मयार भी अजीब होते हैं। शरीफ को बेवकूफ़, मक्कार को चालाक, कातिल को बहादुर और मालदार को बड़ा आदमी समझते हैं। नंबर तीन, मस्जिद के मिंबर में बैठकर कड़क लहजे में लोगों के जहन में क़यामत का खौफ भरने वाले मुल्ला, शायद तुमको ये मालूम ही नहीं कि यहाँ हर मुफलिस का भूखा पेट एक नया दर्द क़यामत बर्पा करता है। नंबर चार, खुदा परस्ती की पहचान इस दुनिया में तो यही है कि खुदा परस्त इंसान को खुदा के सारे बंदों से मोहब्बत हो और वो खुदा की खुशनूदी, इसकी मखलूकात की खिदमत और इसकी बहबूद में ढूँढे। नंबर पाँच, दुनिया की तमाम उलझने ख़त्म हो सकती हैं अगर जाहिल खामोश रहे और आलम हक बोलने लगे। नंबर छः, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी 25 साल की तवील जलावतनी के बाद 1939 में वापस आए तो आखिरी दिनों में बहुत परेशान थे। एक दिन उनकी बेटी ने कहा, आप इतने क्यों परेशान हैं, अंग्रेज़ जाने वाला है और आज़ादी करीब है, आपको खुश होना चाहिए। तो इस पर मौलाना ने फरमाया कि जिनके हवाले करके जा रहा है, जब लोग इनके कारनामों को देखेंगे तो ये कहेंगे कि अंग्रेज़ अच्छा था। नंबर सात, जिस दिन मुसलमान मुआशरों में इल्मी दरसगाहों और साइंसी तजर्बाकाहों की अहमियत व तकरीम, मसाजिद, दरबारों और दरगाहों जितनी हो गई और इंसानियत की फलाह के लिए दरियाफत व ऐजादात करने वाले साइंसदानों को औलिया का दर्जा मिल गया, उस दिन तारीकियों से रोशनियों की सिमत हकीकी मानों में सफ़र का आगाज़ होगा। नंबर आठ, फिल हकीकत मुसलमान वही है जिसके जहन में कुल इंसानियत की गुंजाइश है। एक लिहाज से अल्लाह पर ईमान के भी यही मानी हैं। नंबर नौ, जब हम अपने मुल्क में मुसलमानों को देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम इल्म और मोहब्बत में अच्छे हैं, लेकिन जब बाहर जाकर काफिरों को काम करते देखा तो आंखें खुली और मालूम हुआ कि वो अपने कुफर में सच्चे हैं और वो अपने कुफर ही में काम करते हैं और कामयाब होते हैं, क्योंकि वो अपने मकसद पर सच्चाई से जान लड़ा देना जानते हैं। लेकिन अफसोस है कि हम अपने इस्लाम में झूठे हैं और जान लड़ा देना नहीं जानते। काश मैं ये बात सब मुसलमानों को समझा सकूं। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के अक़वाल से मुतालिक। अगर आप भाइयों और दोस्तों को पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।